नमस्कार, मैं आरती सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत। और 4 दिवसीय छठ महापर्व का आज अंतिम दिन है। थोड़ी देर में छठ व्रती उदयमान सूर्य को अर्घ्य देंगे। सभी घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। उदयमान सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के साथ ही छठ महा अनुष्ठान संपन्न हो जाएगा। घाटों पर अभी से ही श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। बता दें कि इससे पहले कल शाम व्रतियों ने अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दिया, नमन दिया भगवान भास्कर को, और मनोकामना पूरी होने की और सीधे चलते हैं अपने सहयोगी विमलेंदु के पास। इस वक्त हमारे साथ देवघर से जुड़े हुए हैं, तस्वीरें वहां की दिखा रहे हैं। विमलेंदु, बाबा नगरी में छठ महापर्व अपने आप में बेहद खास होता है। कल शाम अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दिया गया, अब थोड़ी ही देर में उदयमान सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और इसी तरह महापर्व संपन्न हो जाएगा। अगर बात करें अभी की, तो हालांकि अभी वक्त है अर्घ देने में, लेकिन कुछ लोग कोसी भराई की भी जो रस्म है वो पूरी करते हैं इस छठ महापर्व में। फिलहाल आप किस घाट पर हैं, क्या नज़ारा देख रहे हैं? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, इस वक्त मैं खड़ा हूं बाबा नगरी, शिव नगरी, देवघर के शिव गंगा इलाके में। और किस तरीके से जो भगवान भास्कर का ये जो पर्व है, छठ लोक आस्था का महापर्व है, उसका आज समापन है। 4 दिवसीय इस पर्व का अब से थोड़ी देर बाद जो तमाम श्रद्धालु हैं, जो छठ व्रती हैं, भक्तगण हैं, वो अर्घ देकर इस महापर्व की समाप्ति करेंगे। मैं आपको कैमरे की नज़र से भी नज़ारा दिखाऊंगा। ये जो जगह है, ये देवघर का प्रसिद्ध शिव गंगा इलाका है, जहाँ पर अब से थोड़ी देर बाद भगवान भास्कर को, उदयगामी भगवान भास्कर को अर्घ दिया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि ये पहला ऐसा पर्व है जहां पर सबसे पहले डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है, उसके बाद उगते हुए भगवान भास्कर को अर्घ दिया जाता है। प्रकृति की पूजा होती है, प्रकृति प्रदत्त जितनी भी चीज़ें हैं, मैं अपने कैमरामैन से भी गुजारिश करूँगा, वो आपको दिखाएंगे, प्रकृति से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं वो लोक आस्था के महापर्व छठ के मौके पर प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। और ये जो विहंगम दृश्य आप देख रहे हैं, ये देवघर के प्रसिद्ध शिव गंगा इलाके का है। विमलेंदु, अभी भोर का वक्त कहा जाए कि अभी सूर्योदय होने में काफी वक्त है, कुछ व्रती वहां पर पहुंचे हैं, कोशिश कीजिए कि उनसे बात करें। और क्या जो लोग वहां पे पहुंचे हैं, जो श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हैं, क्या वो कोसी भराई कर रहे हैं या फिर सिर्फ उदयमान सूर्य को अर्घ देने के लिए, यानी कि छठ व्रत जो कर रहे हैं? क्योंकि कोसी भराई भी एक अहम हिस्सा होता है छठ महापर्व का, जिनकी मन्नतें होती हैं वो पहुँचते हैं और अर्घ देने से काफी पहले कोसी भराई की जाती है। तो अगर संभव हो सके तो उनसे बात कीजिए और जानने की कोशिश करिए। तुम लोग वही काम किया, आज भी वही। मैं तमाम श्रद्धालुओं से बात करूंगा। आप ये बताइए, जो आज का जो ये दिन है, जो आज उदयगामी भगवान भास्कर को अर्घ दिया जाएगा, एक तो ये जो इलाका है शिवगंगा का, अपने आप में काफी प्रसिद्ध है। और क्या देखते हैं यहाँ, जो ये आज अर्घ दिया जाएगा, तो आज के दिन का कितना महत्व है? एक तो बाबा की नगरी और सारे जो छत्रव्रती हैं, जब यहाँ पे इकट्ठा होंगे तो स्वाभाविक है एक अलग ही समा बंधेगा। और धार्मिक जो एक आस्था है उसको एक बल मिलेगा, और जिसकी आज के डेट में काफ़ी ज़रूरत है। भगवान सबको सब बुद्धि दें, सबको उन्नति दें, यही कामना करता। कोसी भराई का भी होता है यहाँ पर, रस्म होता है, क्या महिलाएं आती हैं वो करती हैं, या जितने भी जो भी पुरुष छठव्रती हैं उनकी तरफ से भी होता है क्या? एक बार फिर से दोहराएंगे अपने क्वेश्चन। आप देखिए, मैं आपको बता दूं, जो तमाम महिलाएं हैं जो छठ व्रती हैं वो भी आ रही हैं घाट पे, शिवगंगा के घाट पे। अभी जो तमाम जो लोग हैं, जो घर के पुरुष सदस्य हैं, वो आके प्रसाद यहाँ पे लगा रहे हैं, सूप दौरा जो भी प्रसाद के रूप में है जी, वो यहाँ पे लगा रहे हैं। तो उनसे भी हम बात करेंगे रस के बारे में, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उनसे हम जान रहे हैं कि शिवगंगा इलाके की क्या प्रसिद्धि है और छठ की अलग महत्ता है, तो इनसे जानते थे। तो शिवगंगा इलाके में छठ के जी 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 तो आपसे बात कर रहे थे, छठ के आज सुबह का अर्घ है, क्या लगता है कि
पहला ऐसा पर्व है जहाँ पहले डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है, उसके बाद उगते हुए सूरज को। ये एक प्रथा है जो काफी दिनों से चली आ रही है, और ये हिंदुओं के संदर्भ में ये कहा जा सकता है कि जब हम डूबते हुए सूर्य को आराधना करते हैं और फिर आने वाले उदयाचल जो हमारे सूर्य हैं उसका आराधना करते हैं, तो हम ये एक संदेश देना चाहते हैं कि जो कल गया वो भी अच्छा था, जो आने वाला कल है वो भी अच्छा है। और इस कामना के साथ भगवान सबको तरक्की दें, उन्नति दें। मैं आपसे इजाज़त। बिल्कुल, पहला ऐसा पर्व है जहाँ पर दुनिया कहती है उगते हुए सूरज को सलाम करती है, डूबते हुए दुनिया की रीत है, लेकिन इस पर्व में कहा जाता है कि पहले डूबते हुए सूरज की पूजा की जाती है, उसके बाद उगते हुए सूरज की। भी काफी खूबसूरत नजर आ रही है, भोर का इंतजार, भगवान सूर्य को अर्घ देने का इंतजार, और ये शिवगंगा का घाट काफी खूबसूरत नजारा है। अगर आप अपने कैमरामैन से कहें कि एक बार वो पैन करके हमें वहां की तस्वीरें दिखाएं कि किस तरह वहां का नजारा दिख रहा है, भोर का नजारा, जब छठ घाट पर श्रद्धालु उमड़े हैं और उदयमान सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। बिल्कुल, जिस तरीके से देवघर का ये शिवगंगा इलाका है और कितना खूबसूरत नज़ारा है, कितना विहंगम दृश्य है, लोक आस्था के महापर्व छठ के मौके पे आज सुबह का अर्घ दिया जा रहा है। मैं कैमरामैन से भी गुजारिश करूंगा, आपको दिखाएंगे पूरे शिवगंगा का नज़ारा दिखाएंगे। ये जो शिवगंगा का इलाका है, ये यहाँ पे आप तस्वीरों में भी देख सकती हैं किस तरीके से चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ छठ व्रती, छठ श्रद्धालुगण, भक्तगण नजर आ रहे हैं, और अपने आप में एक अलग अद्भुत रोमांच पैदा करता है छठ के मौके पे ये शिवगंगा का इलाका, जहां चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ छठ का माहौल है। प्रकृति की इस उपासना में तमाम लोग, सिर्फ देवघर के ही नहीं, बाबा नगरी के ही नहीं, तमाम इलाके के लोग यहां शामिल होते हैं और दूर दराज से लोग आते हैं और छठ महापर्व की पूजा करते हैं। आज सुबह का अर्घ दिया जा रहा है और छठ करना अपने आप में बेहद खास होता है। कई लोग तो मन्नतें लेते हैं कि अगर उनकी मनोकामना पूरी हुई तो वो शिवगंगा घाट पर आकर छठ व्रत करेंगे, भगवान भास्कर को अर्घ देंगे। तो अगर इनके अलावा जो वहाँ पर प्रशासन की व्यवस्था की अगर हम बात करें, कल अस्ताचलगामी में सूर्य को अर्घ दिया गया और आज, हालांकि आज ज़्यादा भीड़ होने की संभावना होती है क्योंकि जब छठ संपन्न होगा उसके बाद लोग जब पहुँचते हैं आशीर्वाद लेने व्रतियों का, और उसके बाद प्रसाद वितरण भी होता है, तो किस तरह की व्यवस्था की गई है, क्या मुकम्मल तौर पर मुकम्मल है पूरी व्यवस्था ताकि जो क्राउड मैनेजमेंट है वो सही ढंग से हो सके, क्या इसकी पूरी व्यवस्था वहाँ नजर आ रही है विमलेंदु? जी, जिस तरीके से कल भी हमने देवघर में तमाम घाटों का निरीक्षण किया था उसमें एक शिवगंगा भी शामिल था, कह सकते हैं प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से एहतियातन सुरक्षा के मद्देनज़र जो इंतजाम किए गए हैं वो काफ़ी हैं। NDRF की बोट भी यहाँ तैनात कल शाम तक में थी, और जो बाकी अन्य घाट हैं, जो नौलखा इलाके का प्रसिद्ध घाट है, अजय नदी इलाके का जो घाट है, तो हर जगह प्रशासन की मुस्तैदी साफ तौर पे दिखाई दी। सुरक्षा के इंतजाम बेहद देवघर नगरी में हम कह सकते हैं कि बेहतर थे, और कल शाम भी यहाँ भी शिवगंगा इलाके में NDRF की टीम तैनात थी। अभी भी जो बोट NDRF और SDRF की तरफ से है वो तैनात है, और प्रशासन की तरफ से तमाम सुरक्षा के एहतियातन जो कदम है वो उठाए भी जा रहे हैं। एक बार फिर से हम तमाम श्रद्धालुओं से बात करेंगे जो छठ के मौके पे शिवगंगा इलाके में मौजूद हैं। मैं एक बार कैमरामैन से भी आपको गुजारिश करूंगा, एक बार फिर से वो दिखाएंगे किस तरीके से जो पूरा आप हमारे पीछे जो नज़ारा देख रही हैं, ये शिव गंगा इलाके का नज़ारा है देव घर का, और किस तरीके से छठ के मौके पे विहंगम दृश्य है आप बखूबी इसमें देख सकती हैं। ये शिवगंगा की तस्वीर आप देख रहे हैं बाबा नगरी देवघर से, किस तरह भोर से पहले का नजारा देखिए, ये अहले सुबह यानी कि
4:30 का ये नजारा कितना खूबसूरत। विमलेंदु, ये तस्वीरें वाकई बेहद खूबसूरत हैं, सुकून देने वाली, साथ ही साथ प्रकृति की पूजा होती है छठ में, और प्रकृति का ये दृश्य देखना वाकई काफी सुकून देता है, काफी राहत देता है। और जिस तरह से व्रती अब वहां पर पहुंच रहे हैं, अब थोड़ी देर बाद जब भगवान भास्कर को अर्घ दिया जाएगा, इसके साथ ही महापर्व जो है मन्नतों का महापर्व वो संपन्न हो जाएगा। और अब नजर आ रहा है विमलेंदु कि आपके आसपास भी व्रतियों की काफी भीड़ लग रही। हम आपके पास पहुंचेंगे विमलेंदु, वापस लौटेंगे आपके पास, लेकिन चलते हैं जमशेदपुर और वहां की तस्वीर देख लेते हैं। कौशल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कौशल, देवघर की काफी खूबसूरत तस्वीरें आ रही है हमारे पास, शिवगंगा की तस्वीर विमलेंदु ने हमारे दर्शकों को दिखाई, काफी नजारा जो है बेहद खूबसूरत है भोर का। आप किस घाट पर खड़े हैं और वहां पर फिलहाल कैसा नजारा दिख रहा है? देखिए आरती, अगर कहा जाए कि मैं इस वक्त स्वर्णरेखा मानगो का जो घाट है वहां पर मैं हूँ, और यहाँ पर अगर कहा जाए कि सूर्य उपासना का महापर्व छठ को लेकर के और उसका उदीयमान सूर्य को अर्घ देने के लिए, कल अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दिया गया था भक्ति भाव के साथ में, और आज उदीयमान सूर्य को अर्घ देने के लिए 3 बजे से ही, अगर कहा जाए कि 3 बजे रात से ही लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए थे। कई ऐसे भी छठ व्रती थे जिन्होंने कोसी भरा था, मन्नतें मांगी थी, कोसी भरा था, तो वे लोग यहाँ नदी तट पर ही थे। लेकिन लेकिन जिस तरह से अभी यहाँ पर जो है कि गाजे बाजे के साथ में जिनके जिनका मन्नत होता है तो गाजे बाजे के साथ में भी छठ व्रती यहाँ पर पहुँचते हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से आपको हम दिखा रहे हैं, देख लीजिए, ये स्वर्णरेखा नदी का मनोरम दृश्य है। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ में विद्युत की व्यवस्था है, और यहाँ पर टिमटिमाते दिए जो है जो की दौरा में यहाँ पर सजाए गए हैं, रखे गए हैं पूजन सामग्री के साथ में, और बड़ी तादाद में अगर कहा जाए कि लोगों का आना यहाँ पर शुरू हो चुका है और लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आपको तस्वीरों के माध्यम से हम दिखाना चाहेंगे अपने कैमरामैन से कि जरा इन तस्वीरों को दिखाइए कि शहर के दूर दूर से लोग कैसे पहुंच रहे हैं, सर पर दौरा लेकर के भक्ति भाव के साथ में भगवान सूर्य को ध्यान में रख करके, छठी मैया को ध्यान में रख करके ये यहाँ पर तमाम लोग पहुँच रहे हैं। छठ का अगर घाट की अगर हम सफाई की बात करें तो साफ सुथरा काफी रहा है इस बार, किसी तरह की भी कोई लोगों को अगर छठ व्रतियों को कहा जाए कि आरती की किसी तरह की कोई समस्या यहां पर नहीं देखने को मिली है अब तक, जिस तरह से है आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर चेंजिंग रूम बनाया गया है, जो छठ व्रती है उनको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो वस्त्र बदलने के लिए। यहाँ पर देखिए जगह जगह पर चेंजिंग रूम बनाया गया है, और इसके अलावा देख लीजिए तमाम जो है छोटे बच्चे खास करके आतिशबाजी वो लोग 3 बजे रात से ही यहाँ पर कर रहे हैं नदी किनारे, चूंकि यहाँ एक भक्तिमय पूरा वातावरण है भगवान सूर्य का लेकर के, उपासना का लेकर के, तो उसको लेकर के क्या है कि लोगों में एक उत्साह है, लोगों का आना शुरू हो चुका है। और जिस तरह से जानकारी मिली है कि 6 बजे के आसपास में यहाँ पर, चूंकि फॉग काफी था, कल काफी कुहासा था, उस वजह से क्या था कि सूर्यास्त जल्द हो गया था, दिख नहीं रहा था तस्वीर, लेकिन अब जो है यहाँ पर लोगों को उम्मीद है कि आज यहाँ पर फॉग जो है, कुहासा जो है, कोहरा वो कम होगा और भगवान सूर्य के साक्षात दर्शन होंगे, और दर्शन होने के बाद में सब परिवार लोग जो हैं कि उदयमान सूर्य को अर्घ देंगे, और अर्घ देने के बाद में परिवार की सुख शांति समृद्धि की कामना तो करेंगे ही, और उसके अलावा अगर कहा जाए कि एक छठ का एक महत्व जो सबसे बड़ा जो होता है आरती, निरोग रहने का, निरोग कहा जाता है कि जो कुष्ठ रोगी हैं उनको खास करके, हाँ कुष्ठ रोगी जो हैं वे लोग जो हैं वो खास करके छठ पे भगवान सूर्य को से ये मांगते हैं कि हमको अगले जन्म में एकदम निरोग रखे, स्वस्थ रखे, सुंदर रखे, हमारे परिवार जो है, हमारी जो पीढ़ी जो है वो भी स्वस्थ सुंदर रहे। तो बिल्कुल कौशल, ये सबसे बड़ी बात आपने बताई कि प्रकृति से आज भी लोग कितने जुड़े हुए हैं, ये प्रकृति से मतलब प्रकृति से मांग है भक्तों की कहें या श्रद्धालुओं की कहें या आम जनों की कहें, कि उन्हें अगर कुछ बीमारी भी है तो वो प्रकृति से ये कामना करते हैं कि उनकी जो है वो बीमारी दूर हो जाए। और सबसे महत्ता जो बोली जाती है छठ महापर्व की, ये इस चीज को दर्शाती है। लौटेंगे कौशल हम आपके पास, लेकिन जमशेदपुर में ही बने हुए हैं हमारे सहयोगी शाहनवाज अख्तर,
सिद्धगोड़ा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास चलेंगे जहां मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं अर्घ्य देने के लिए। शाहनवाज, काफी खूबसूरत तस्वीरें नजर आई स्वर्ण रेखा घाट की, वहां पर काफी इंतजाम भी बेहतर तरीके से किए गए हैं। आप जहां पर खड़े हैं, मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं, फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें वहां से? फिलहाल तस्वीरें ये हैं कि छठ तालाब जो है, यहाँ सीमेंटेड तालाब है और जाहिर है सीमेंटेड तालाब है तो बिल्कुल हर चीज़ बहुत साफ सुथरी है, बहुत कहीं पर कोई फिसलन का डर नहीं है, किसी के डूबने का डर नहीं है। और लाइटिंग जो है वो बहुत प्रॉपर ढंग से की गई है। सुरक्षा व्यवस्था जाहिर है चाक चौबंद हो गई क्योंकि अभी मुख्यमंत्री को आना है यहाँ पर। ऐसे भी जमशेदपुर बहुत ही खूबसूरत ग्रीन सिटी, क्लीन सिटी के नाम से जाना जाता है। तो सिद्धगोड़ा तालाब जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो दो तालाब हैं, जोड़ा तालाब जिसको कहते हैं रांची में, तो यहाँ भी एक जोड़ा तालाब है, मानव निर्मित तालाब है। और लोगों ने सुबह लगभग 2:30 बजे के बाद से यहाँ पर लोगों का आना जाना हो गया था और रात भर ये गलियां रास्ते गुलजार रहे हैं और रोशनी से नहाता हुआ ये खूबसूरत मंदिर भी आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये सूर्य मंदिर है, आप देख सकते हैं सूरज के सातों घोड़े आपको दिखाई दे सकते हैं अगर आप ध्यान से देखें। और कदम कदम पर रंग बिरंगी रोशनी से नहाया हुआ ये परिसर है और लोगों ने अपने सूप दौरे घाटों पे रख दिए हैं। कुछ लोग पानी में उतरने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि अभी पानी में मैं देख नहीं पा रहा हूँ कि कोई उतरा हो, ज़्यादा तादाद उनकी नहीं है कि पानी में उतरे। बहरहाल धीरे धीरे लोग पानी में उतरेंगे और फिर प्रक्रिया शुरू होगी। हालांकि अभी बहुत समय है सूर्योदय में, सूर्योदय का आज बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार होगा क्योंकि कई घंटों से निर्जला व्रत ले रखा है बहुत सारे व्रतियों ने, इसमें महिलाओं की तादाद ज़्यादा है मैं देख पा रहा हूँ। और बहुत सारे जो सहयोगी लोग हैं वो घाटों पर साथ में आए हैं, कोई सर पे दौरा उठा करके आया है, पूरा परिवार साथ में है। और आपने ठीक कहा अभी थोड़ी देर पहले कि ये अपनी अपनी जड़ों से, अपनी प्रकृति से बिल्कुल जुड़ने का त्यौहार है। तो वाकई ये आरती मैं इसमें 2-3 बातें जोड़ना चाहूँगा कि सबसे पहले तो हर एक चीज की धन्यवाद का त्यौहार पर्व है ये। सूर्य जिसके लिए साइंटिफिकली भी अगर आप जाएं तो बिना उसके दुनिया के अस्तित्व का सवाल उठ जाएगा, क्योंकि सूरज ही जब उगता है तो हमारी आँखों से बहुत सारी चीज़ें हम देख पाते हैं और फिर सूरज से विटामिन डी मिलता है, वो तमाम जिस्म का, बॉडी का स्रोत है एनर्जी का। बिल्कुल, जीवन का अस्तित्व ही सूर्य है। मानव की और मानव ही क्यों, मानव के अलावा जितनी भी तरह की सृष्टि इस जीवन में है, धरती पर है, उन सबको सूरज का इंतजार होता है। आपने पढ़ा होगा शायद 3 और 4 क्लास की किताबों में प्रकाश संश्लेषण होता है जिसके बाद ऑक्सीजन निकलता है और यही ऑक्सीजन हमारी सृष्टि का आधार है। ऑक्सीजन जी जिसको हम सांस भरते हैं और फिर एक प्रक्रिया चलती है जीवन की। इसके अलावा अगर सूप दौरे में रखे हुए इन तमाम चीजों का आप एक एक करके गौर करें, हम गौर नहीं करते हैं, अगर हम गौर करें तो